अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी आज है माशाल्लाह से 21वां रोज़ा। तो यहाँ पे जो है मैं कपड़ों का चेंज वगैरह कर रही हूँ, मतलब समर के कपड़े निकाल रही हूँ, विंटर के रख रही हूँ, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है या एकदम से धूप तेज़ निकलना शुरू हो गया है। तो बस यहाँ पर मैं कॉटन वगैरह के लॉन के कपड़े निकाल रही हूँ और विंटर के रख रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा मतलब बिखरा बिखरा लग रहा है। तो जायम स्कूल गया हुआ है, जायम के बाबा ऑफिस गए हुए हैं, तो बस जायम को स्कूल के लाने से पहले पहले मैं ये चीज़ें समेटना चाहती हूँ। ज़ाहिर है फिर उसको भी टाइम देना होता है और बाकी जो घर की साफ वगैरह सफाई वगैरह वो करने वाली है, तो बस पहले मैं ये काम करूँगी, उसके बाद फिर घर की सफाई करूँगी। किचन ऑलरेडी क्लीन है, बाकी सिर्फ रूम्स क्लीन करने हैं, वो मैं बाद में करती हूँ, पहले मैं कपड़े वगैरह समेट लूँ। तो चलें जी सबसे पहले अपना ये काम ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे कंटिन्यू करती हूँ। वहाँ पे मैं छत पे आई हूँ अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस करने, तो बस साथ ही मैंने पौधों को पानी भी दे दिया। पौधे काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो रहे थे, धूप भी काफ़ी तेज़ है, लेकिन धूप के साथ साथ देखिए हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, लेकिन गर्मी फिर भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि धूप तेज़ है इसलिए। तो बस कपड़े मैंने आयरन कर लिए हुए हैं, तो चलें चलते हैं नीचे जाके करते हैं इफ्तारी की तैयारी। आज मैंने इफ्तारी में कुछ ज़्यादा नहीं बनाना, सिर्फ थोड़ा बहुत ही बनाऊँगी, जो भी बनाऊँगी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलें चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ कद्दू के कोफ्ते। कद्दू को मैंने वॉश छील के वॉश कर लिया है, अब मैं इसको यहाँ पे कद्दूकश कर रही हूँ। यहाँ पे मैं कद्दूकश करने के बाद कद्दू को उसमें से पानी को अच्छे से निचोड़ रही हूँ, ताकि मतलब जो हमारे कोफ्ते हैं वो अच्छे बने। अगर इसमें पानी रहेगा ना तो ये हमारे सालन के अंदर टूट जाएंगे। अब मैंने इसमें बेसन ऐड किया, नमक मिर्च हल्दी दरड़ मिर्च गरम मसाला ये तमाम चीज़ें शामिल की हैं, और इसका एक अच्छा सा थिक सा बैटर मतलब बना लिया पकौड़ों का, जो सामान होता है उस तरह का। अब मैं यहाँ पे इसको मतलब कोफ्ते की शक्ल दे के राउंड शेप में मैं इनको फ्राई कर लूँगी, और इनको करना है हमने शैलो फ्राई करना है अच्छे से, मतलब अंदर से इनके अंदर ना कच्चा ना रहे। अगर अंदर से कच्चापन होगा तो जो हमारे कोफ्ते हैं वो इतने अच्छे और इतने यमी नहीं बनेंगे। बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी कोफ्ते फ्राई करूँगी, जब ये मतलब इन पे गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाएगा तो फिर हम इनको मतलब ये हमारी पकने के मतलब तैयार होंगे। अब हमने पहले एक साइड पे 5 से 10 मिनट एक साइड पे रखना है इनको, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इनकी हल्की आंच पे हमने बनाने हैं, फिर इनकी साइड पलटनी है और फिर आँच थोड़ी सी तेज़ कर देनी है। यहाँ पे दो मैंने मीडियम साइज़ के अनियन लिए हैं, उनको मैंने मतलब इतना फाइन चॉप नहीं किया, मोटा मोटा सा कट कर लिया, क्योंकि मैंने इनको ग्राइंड करना है। इसमें मैं शामिल करूँगी कुकिंग ऑयल, क्योंकि मतलब ग्रेवी वाले सालन में कुकिंग ऑयल जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा जाता है। इसमें मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया। अब मैं इसको जो मसाला है इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी, और टमाटर को ना मतलब कच्चा ही डाल दूँगी जूसर ब्लेंडर के अंदर, क्योंकि मैंने इस मसाले को दोबारा पकाना है। मसाला ठंडा होने के बाद इस मसाले को मैं ग्राइंड कर लूँगी और फिर इसको दोबारा हम अच्छे से ग्राइंड करना है, ताकि टमाटर या प्याज वगैरह के कोई ना इसमें चंक्स ना हो। फिर हमने क्या करना है जी, इसके अंदर जो पानी शामिल करना है, हमने पहले उनको अच्छे से खुश करना है कि मसाले के अंदर ज़रा सा भी पानी ना रहे, मतलब ऑयल जब सेपरेट हो जाए। फिर हमने इसमें शामिल करने हैं स्पाइसेस, नमक सॉल्ट एंड मतलब हल्दी, यही वो स्पाइसेस हम इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे, मसाला इतना भूनेंगे कि जो पानी है वो ड्राई हो जाए और जो इसके अंदर हमने कुकिंग ऑयल यूज़ किया है वो सेपरेट हो जाए। हमने इसको इतना अच्छे से भूनना है, और ये जो स्पाइसेस होते हैं ज़ाहिर ये तो अपने खाने के मुताबिक ही डालने होते हैं, जितना आप लोग की फैमिली या आप पसंद करते हो उतना ही डालें। तो यहाँ पे मैं जी मसाले को अच्छे से भून रही हूँ, इसका पानी जो है ड्राई कर रही हूँ, ताकि जो हमारे मतलब ग्रेवी है ना उसमें कच्चा पानी ना रहे। क्योंकि जब हम मसाले को ब्लेंड करते हैं ना तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम उसको अच्छे से नहीं भूनेंगे तो आप चेक करके देखें कि इसमें कच्चा पानी आना शुरू हो जाता है, मतलब स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कुटी हुई जो है हरी मिर्च डाल दी है, ताकि उसका एक फ्लेवर है वो हमारे ग्रेवी के अंदर अच्छे से कोट हो जाए। तो यहाँ पे जी मैं इसको इतना अच्छे तरीके से भूना है, ये देखिए सेपरेट हो गया है। तो फिर मैंने इसमें शामिल कर दिए आलू, और 3 से 4 जो चम्मच है मैंने दही शामिल करके इसको अच्छे से भूनूंगी। उसके बाद फिर मैं इसमें शामिल कर दूंगी पानी, क्योंकि पहले मैंने कोफ्ते इसमें शामिल नहीं करने हैं। पानी बना शामिल करने के बाद इसकी अच्छी सी एक ग्रेवी बन जाएगी, उसके बाद फिर हम इसमें कोफ्ते शामिल करें। यहाँ
यहाँ पे मैं फिर अफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ। अफ्तारी में मैंने चना चाट और पालक के पकोड़े बनाने, क्योंकि फिर मदर इन लॉ आ गई थी तो अच्छा नहीं लगता था कि बिल्कुल सिंपल अफ्तारी, और डेली हम बनाते हैं। तो बस जल्दी से अफ्तारी की तैयारी करते हैं और करते हैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड, और फिर आपको बस अफ्तारी का टेबल शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें।